सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आज मैं आप लोगों को वसुधा सिंबल के बारे में बताऊंगी, जो कि करुणा रेकी का सिंबल है। हम रेकी में भी नॉर्मल इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मास्टर लेवल के बाद इसे यूज कर सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे, सबसे पहले इसे कैसे बनाया जाता है जो इम्पोर्टेंट है, और ये कैसा दिखता है वो बात कर लेते हैं। देखिए, ये है वसुधा सिंबल, ठीक है ना। देखिए, मैंने इसमें बहुत कोशिश की है कि मैं आपको सही तरीके से डायरेक्शंस बता सकूं, क्योंकि रेकी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से सही डायरेक्शंस में सिंबल्स को सही तरीके से बना रहे हैं या नहीं। अगर आपकी डायरेक्शन गलत है तो आपको वैसा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इसको सही तरीके से यूज नहीं कर रहे, फिर भी नहीं मिलेगा। रेकी सीखने के साथ साथ रेकी को कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल है, हमें सारी एप्स को यूज करना आना पड़ता है, और आज की डेट में ये भी समझना पड़ता है और कौन सी ऐसी ऐप है जो कि हमारी इंफॉर्मेशन ले रही है, और वो एक्चुअल में जो एक्चुअल ऐप है उसकी जगह वो फेक एप्स भी आ गई है। वैसे ही ये भी एक टेक्निक है, हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम इनको सही तरीके से इन सारी चीजों को ले सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अभी मैंने इसमें एकदम क्लियरली किया हुआ। सबसे पहले देखिए, वन ये है, ऊपर से लेके नीचे तक लाइन जा रही है, ठीक है, ये वन है। टू देखिए, यहां से लेके यहां तक ये लाइन, ये टू है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसमें क्लियर नहीं आ रहा है फोटो में, फिर भी मैं इसकी फोटो आपको अलग से भी दूंगी, ठीक है। वन एक लाइन ऐसे हो गई, टू एक लाइन इधर हो गई, ठीक है, ये हो गए। अब देखिए हम थ्री देखते हैं, मुझे भी इस पे देखना पड़ता है। यहां से दो लाइनें हो गए, ठीक है, पहले हमने ऊपर करी फिर हमने इधर करी, ठीक है। अब हम यहां से ही ये लेंगे पूरा, यहां क्या कईयों ने क्या कर रखा है, यहां तक एक नंबर लिया है फिर इसको एक अलग नंबर दे दिया, ठीक है। मैंने एक ही नंबर दिया, इसलिए जो हमने जो काउंटिंग इसमें आ रही है कम भी हो सकती है। कईयों ने क्या किया है, जैसे इसको थ्री किया और इसको फोर कर दिया, मैंने इसको एक ही नंबर ले लिया है, जितने कम कंफ्यूजन हो उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये पूरा थ्री है, यहां तक आ गए, ठीक है, थ्री आ गया ना यहां तक। अब यहां से ये फोर स्टार्ट हो गया, यहां तक आ गए, ये फोर है। अब यहां से ये फाइव है, ठीक है, यहां से ये सिक्स है। इसको कईयों ने अलग अलग करके करा हुआ है कि यहां तक एक किया है फिर आगे एक और किया, मैंने ये पूरा एक ही ऐसे करके ले लिया, ठीक है ना, इस तरीके से लिया। ये यहां से बनना शुरू होता है। सबसे पहले हम ऊपर से यूं खींचेंगे लाइन, फिर हम ये साइड की लाइन करेंगे, इस तरफ करेंगे, ठीक है, फिर यहां से शुरू होगा थ्री, ठीक है, फोर है, फाइव सिक्स, ठीक है। आई होप आप सबको ठीक से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सिंबल की, मैं इसकी फोटो भी आपको अच्छे से भेज दूंगी, इसमें डाल दूंगी अच्छे से, ठीक है। तो देखिए, अब वसुधा सिंबल आपको बनाना आ गया, अब कहाँ बनाना है सीखिए। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, रेकी के सिंबल आप अपने ऊपर बिल्कुल ना बनाएं, और जब भी रेकी के आपको सिंबल, रेकी के सिंबल मतलब करुणा रेकी के सिंबल, रेकी के जो चार सिंबल हैं उनको तो आप यूज कर सकते हैं, करुणा रेकी के सिंबल डायरेक्ट अपने ऊपर नहीं बनाए। अब आप इनके लिए क्या करेंगे, जब भी इन्हें यूज करेंगे चौकोरे सहे की जरूर करेंगे, और अगर आप मास्टर के मास्टर में आप इसे यूज करेंगे तो आप डाइक्योमो भी साथ में जरूर लेंगे, ठीक है ना, सिंबल को इसको यूज करते हुए। इसको आप अपने, जैसे आप अपने मंदिर वाले रूम में चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, आप अपने लॉकर में चाहते हैं, तो आप इस सिंबल को बना सकते हैं। लेकिन आपने पहले क्या करना है, वही सेम जो प्रोसेस है, चौकुरे बनाना है, उसके बाद ये सिंबल यूज करना है। आप बिना चौकुरे के इन सिंबल्स को यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट वो मिलेगा ही नहीं। पहले चौकुरे बनाएंगे फिर आप बनाएंगे, अपने मंदिर के रूम में आप बड़ा सा बना सकते हैं, अब अपने लॉकर में बना सकते हैं, अपने पर्स में बना सकते हैं, किचन में बना सकते हैं, वहां से भी समृद्धि होती है, अपने पूरे घर में बना सकते हैं, अपने दरवाजे में बना सकते हैं, कहीं भी आप बना सकते हैं, अपनी शॉप में बना सकते हैं, आपका कोई काम है, आपने कोई आपके प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके ऊपर ये सिंबल बना सकते हैं, ताकि वो प्रोडक्ट्स आपको भी समृद्धि दें और औरों को भी समृद्धि दें। वसुधा सिंबल पैसे के साथ साथ ग्रोथ भी देता है, समृद्धि भी देता है, फल अच्छे देता है, शुभता देता है, स्वास्थ्य है। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हमें क्या चाहिए, पैसे के साथ साथ
सब कुछ हो, घर में शुभता आए, बरकत हो, पैसे से कोई ऐसा ना हो कि ऐसा पैसा आ रहा है कि हमें लगे कि सारी चीजें, कहते नहीं पता नहीं कैसा पैसा है इसका, बीमारियों में निकल रहा है, नहीं, हमारे घर में कम भी हो तो भी हम उसमें खुशी से रह सकें, ऐसा ना हो कि पैसे की बर्बादी हो रही है, चीजों की बर्बादी हो रही है। ये वाला सिंबल पैसे को सही तरीके से सही कामों में लगाएगा, आपकी ग्रोथ कराएगा, फैमिली में अच्छी तरीके से आप लोगों को रखेगा, सुख शांति भी रखेगा, प्रॉस्पेरिटी देगा, लोगों के बीच आपकी समृद्धि होगी, लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। आप अपनी डिस्टेंस रेकी जब कर रहे हैं ना, उसमें आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं, आप उसके छी बॉल जब बना रहे हैं या आप बुक के ऊपर कर रहे हैं वैसे कर सकते हैं, पिलो के ऊपर आप रख के कर रहे हैं वैसे भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस सिंबल को आप डायरेक्ट अपने ऊपर बिल्कुल नहीं बना गएगा, ठीक है ना। और देखिए इन सिंबल्स में अपनी बहुत पावर होती है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप ये सोचेंगे ना कि इनमें अपनी पावर नहीं है, कुछ नहीं होता, मैं कहीं भी बना लूं, नहीं, ये बिल्कुल वर्क करते हैं। बनाइए, अपने मंदिर के आप सामने बना सकते हैं, आप जब मेडिटेशन करने बैठ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई सिंबल अपने ऊपर यूज करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट इंटरनल ऑरा हमारा 3 से 5 इंच का है, आउटर ऑरा 5 से 8 फुट का है, तो हम अपने आउटर ऑरे में बना सकते हैं वसुधा अपने सामने, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं अपने सामने के, हमारे सामने आए, जैसे मैंने लाइन बताई, फिर यूं आया है, फिर यूं आया है, फिर यूं आया है, वसुधा 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 की शक्ति। अपने ऊपर नहीं बनाएंगे आप, अपने सामने अपने आउटर ऑरे में बना के ट्राई करके मेडिटेशन करके देख सकते हैं। जब आप ये बनाएं तो आप खुद महसूस कर लीजिए कि वो सिंबल आपको किस तरीके से महसूस हो रहा है। ये कहते हैं कि वो जो सिंबल है हम उसको ग्रहण कर लें, हम उसकी ऊर्जाओं को ग्रहण कर लें, ये सारी चीजें भी आती हैं, ये तभी होगी जब आप इनको अपने आउटर ऑरे में बनाएंगे, और आप रूम में बिल्कुल अकेले होंगे, कमरा आपका बंद होगा, नहीं तो किसी खाली जगह में आप अकेले होंगे, फिर आप अपने आउटर ऑरे में इन सिंबल्स को बनाइए और उसकी पॉजिटिविटी को लीजिए। देखिए ये जो सिंबल है वो पैसे के साथ साथ सुख देता है, समृद्धि देता है, यश देता है, अच्छे फल देता है, बहुत ज्यादा बढ़िया सिंबल है। लेकिन ये याद रखिए कि जब आप ये सिंबल बना रहे हैं, ये एकदम शुभता का सिंबल है, ये एकदम पॉजिटिविटी का सिंबल है, आप अपने मंदिर में बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं, लॉकर में, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि मनी से भी जरूर जुड़ा हुआ है, पैसा गंदगी में कभी भी नहीं आता, क्योंकि गंदगी में नकारात्मकता होती है और वो पैसे की शुभता को वहां आने ही नहीं देती है। तो आप पॉजिटिविटी लाइए, सफाई रखिए, मंदिर एकदम साफ सुथरा रखिए, घर साफ रखिए, जब आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सुबह सुबह एकदम गंदा सा घर है, मैला घर है, आपने सफाई काफी टाइम से नहीं की, आप रेगुलर ठीक से नहीं कर रहे, आप सिंबल नहीं बना रहे, नहीं, आप साफ सफाई कीजिए, ठीक से रखिए और फिर इन सिंबल्स को बनाइए, फिर ये अपनी उतनी ही एनर्जीज को फैलाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। ऐसे ही मैं इसके रेकी के सिंबल्स के बारे में आपको बताती रहूंगी ताकि आप सही तरीके से रेकी को यूज कर सकें। देखिए आप ये जो सिंबल है ना, एक चीज और रह गई थी वो भी बता दूं, आप जब ये मनी रेकी की ग्रिड बना रहे हैं आप उसमें ये सिंबल डाल सकते हैं, ठीक है, मनी रेकी की जो आप स्लिप बनाएंगे। देखिए अगर आपने बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष, रेकी, हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र या आपके और से जुड़ी हुई जानकारी लेनी है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत सारे कमेंट्स दीजिए। और देखिए अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना ऑरा रीड कराना चाहते हैं, या फिर आप रेकी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं या अंक शास्त्र सीखना चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर इसमें आ रहे हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जो कोर्स की डिटेल है वो मैं आपको दे दूंगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के साथ मैं आपके लिए आती रहूंगी, वीडियोस बनाती रहूंगी, बहुत ही सरल भाषा में ये गूढ़ जानकारी आपको देती रहूंगी। मैं रमा जोशी, प्रणाम।